देख 504 रुपए की ड्रेस है। गुल्लू क्या कर रहे हो पापा? क्या कर रहे हो आप? पाई को गोपाल जी को गोपाल जी को पाई को कर दे बेटा। अजय मैं छेद करता फिर लो स्कूल में बिना बैग और बोतल के लेके जाओगे? बाय गुल्लू। दे दी बेटा बॉटल। बाय। पानी ज्यादा देती है तो ऐसे पानी से क्या होता? बहुत होता है ज्यादा, ये वहां पे गिराती है। बाय बेटा। बाय गुल्ला। बाय बाय मम्मी को। बाय, कल मिलते हैं। अब बता बता बता, तू चाकू मार रही थी मेरे? बता ना क्या कैसे मारेगी? ऐसे ले मार। ऐसे मार। ये देखो ये देखो ये देखो भाई साहब, ये हो जाता है। अगर कल को मुझे कुछ हो गया इसे गिरफ्तार कर लेना, मेरी जान को खतरा है इस औरत से। चंद पैसों के लिए ये मेरा कत्ल कर सकती है। मेरे से कह रही है 50,000 रुपये महीना दे, नहीं तो तेरे को चाकू मारूंगी। मुझे तभी तो चाकू मार रही है, कह रही है 50,000 रुपए दे नहीं तो काटो। कह रही है तेरे को 1,00,000 रुपए महीना दूंगी तो मेरी बेटी की पोटी साफ करेगा। ये तो अच्छी बात है, 1,00,000 रुपए महीना मिलेगा। ये 50,000 रुपए के लिए मर्डर करने वाली मर्डर ही है। गुल्लू कहाँ जा रहे? पानी तो पी ले थोड़ा सा। नहीं पीना। पी ले बेटा। कहाँ जा रहे? नानी हाउस छोड़ दियो उसको। बाय। आना गुल्लू जल्दी आओ। आराम से सरिता, आराम से। अब कहाँ है? ले थोड़ा। सो गाइस इधर हम लोग निकल चुके हैं घर से और मेरे को हैं कहाँ जा रहे हैं? कहीं तो लेके जाओगे मुझे, कहीं नहीं लेके जाओगे। तुमने तो कहा था कि सोनी के शादी के बाद कि मैं देखो हर जगह घुमाया करूँगा। थोड़ा सा आ गया। हाँ ठीक है, ज़्यादा हो गया, बस पेट हमने कर रखा। चलो चलो सबसे पहले चलते हैं गौरी आंटी के मेरे सूट उठाने। है वो? पता नहीं, फ़ोन नहीं उठा रही। उनके साथ हमेशा ही ऐसे है, गौरी आंटी के साथ हमेशा 90% ऐसा होता है, वो फ़ोन नहीं उठाती। और हम लोग गाड़ी लेके उनके यहाँ जा रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है। पर ठीक है, उनके गली चौड़ी है, निकल जाती है। बस मैं आपसे एक ही चीज़ तो मांगती हूँ, क्या मुझे रोज़ शाम को घुमाने लेके आया करो। एक स्त्री अपने पति से क्या मांगती है? बस यही मांगती है कि रोज़ घुमाने लेके आया करो। आज क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? बहुत अच्छी लग रही है। फिर बताओ, अब मैं तेरे को देखूं या सामने देखूं या बता दे। मेरे को तो आपने घर पे देख लिया था ना, जब मैंने ड्रेस पहन के आपको दिखाई थी। फिर ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ मैं आपकी बीवी हूँ। आपने मेरे से शादी करी थी, आपने मेरे से फेरे लिए थे 4। गाइस मुझे इससे याद आया, क्या हिंदू धर्म में 4 फेरे लिए जाते हैं, 7 फेरे लिए जाते हैं? वो छोड़ दो, बता ये बता किधर को ले। बिल्कुल सीधा टी पॉइंट से राइट। ये मुझे आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अरे किधर को लेना है। ये देख तारे टूट गए यहाँ पे तो। अब टी पॉइंट से राइट लेना है, टी पॉइंट नहीं पता? कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देते जो पूछ रही हो कि हिंदू धर्म में कितने फेरे लिए जाते? बात तो सुन ले, हमारे 4 फेरे हुए। अरे सुन ले, चुप हो जाओ, हमारे 7। अरे सुन ले तू मेरी बात को। जैसे फिल्मों में दिखाया, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि 7 फेरे हमारे साथ थे, 4 हुए थे। सुन मेरी, चुप, नहीं सुनते ही नहीं हो। इनके काम वैसे भी पॉसिबल नहीं हो पाता,
तो इनके यहाँ काम मेरा नहीं हुआ, इधर चल रही थी रेनोवेशन, तो इन्होंने पूरा सामान जो है वो बांध के रखा हुआ है कहीं, मतलब यहीं पे रखा हुआ है, ऊपर कह रहे हैं यहाँ निकाल दूंगी तो कल मिलेगा। तो मेरे दो सूट लेने थे, यहाँ का काम हो चुका है खत्म, कैंसिल। चलो फिर अब नेक्स्ट। क्या हुआ आ गया ना, अच्छा ले रही जल्दी निकालो यहाँ से। चलो। सो गाइस हम तो गए हैं रिलायंस पे और इधर गुल्लू खा रही है बनाना। हमने पहले इसकी बिलिंग करा ली, उसके बाद इसको दिया बनाना। और भाई लड़की ने उधम मचा रखा है, उधम। बड़ी मुश्किल से शांति से बैठी है ये, और इसके लिए हमने दो जोड़ी कपड़े लिए हैं। अब देख रहे हैं हम लोगों को जाना है फ्लाइट में, तो गुल्लू के लिए तो कितने की है ये? 99 एक ले ले। किसके लिए? गुल्लू के लिए ही है। काना जी के पास भी देख रहे हैं। तो गाइस हमें मिले ये प्यारे प्यारे हमारे सब्सक्राइबर्स, क्या नाम है आपका? कुमुल। और उनका? दिवेश। और ये भैया ने हमें गाड़ी मोड़ते हुए देख लिया था, तो इसीलिए हम लोगों से मिलने के लिए रुके। थैंक यू। सो गाइज हम लोग आ गए थे घर पर, और बड़े प्यारे प्यारे हमें जो है वो सब्सक्राइबर्स मिले थे। वो एक्चुअली हम लोग टर्न कर रहे थे, तो वो वहीं पे उन्होंने हमें रोक लिया। हम लोग गाड़ी लगा रहे थे, तो बहुत ही क्यूट क्यूट दो उनके बच्चे थे, आई थिंक रोहिणी में रहते हैं। और गुल्लू से मिलके भी उनको बहुत अच्छा लगा ना। वो अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं, किसी से सामान लेना था, किसी को सामान देना था, इवन मुझे गुल्लू के लिए कपड़े भी लेने हैं। बट अभी मुझे बिल्कुल, मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा स्टक हूँ क्योंकि जन्माष्टमी का टाइम चल रहा है, मेरा सीज़न का टाइम चल रहा है। ये देखो आईब्रोज़ भी कराने का मुझे टाइम नहीं मिला, सर धोने का भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा, कॉम करने का भी। बट कोई बात नहीं, चलिए इसी के साथ गाइज इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। डू लाइक सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल बंसल फैमिली। बाय बाय, गुड नाइट।